ये देखिए कितना ही शानदार, कितना ही स्वाद और कितना ही लाजवाब, लज्जादार, मज़ेदार, क्रीमी कुकुम्बर कोल्सलो मैंने बनाया है, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है, झटपट बन जाता है और घर पर ही लगभग सारी चीज़ें मिल जाती है इसको बनाने के लिए। तो आज मैं इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कुकुम्बर कोल्सलो, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश फ्रॉम देसी चावल किचन से। दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आज मैं बनाने जा रहा हूँ कुकुम्बर से बनने वाला बहुत ही टेस्टी क्रीमी क्रंची सैलड, जिसको बोलते हैं कुकुम्बर कोल्सलो। तो जैसे कि आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हम लोग कुकुम्बर को, हम इसका जहाँ से इसका ब्रीड होता है वहाँ से हमने हल्का सा काट के इसके अंदर से इसका ये जो झाग है इसको निकाल देते हैं, क्योंकि खीरे कई बार कड़वे होते हैं और इसको ये जो ये झाग है इसको हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि ये इसमें से यह निकाल दो, ये कोई खीरे का जहर निकाल रहे हैं। बेसिकली क्या निकाल रहे हैं? कड़वापन। तो ये देखिए, ये देखिए, और नेचुरली खीरा कभी कभी कड़वा भी निकलता है। तो हमने खीरे को चखने के बाद ही हमने इसको यूज़ करना है। कड़वा नहीं है, फर्स्ट क्लास है, बहुत मीठा है। हमारे घरों में कद्दूकस तो मिल ही जाते हैं, तो हमने अब खीरे को ये लेके हमने इसके स्लाइसेस कर लेने इसी तरीके से। उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी बर्तन के अंदर में, ये देखिए फर्स्ट क्लास झटपट ही हो जाते हैं। ये देखिए ये सारे हमने ऐसे स्लाइसेस कर लेने हैं। अब ये स्लाइसेस खीरा गया मेरा एक कंटेनर में। ये ध्यान रखिएगा, कंटेनर कांच का लीजिएगा या स्टील का लीजिएगा, क्योंकि अब जो प्रोसेस करने जा रहे हैं उसमें केमिकल रिएक्शन ना हो, इसलिए हम लोग स्टील का या कांच का बर्तन प्रेफर करते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर में थोड़ा सा सीजनिंग करनी है। तो सीजनिंग करने के लिए इसमें क्या क्या चाहिए, मैं फटाफट उसको भी लेके आया, बस यूँ गया और यूँ आया। तो दोस्तों सीजनिंग में, पहली सीजनिंग में इसमें जाएगा सॉल्ट और जाएगा थोड़ा सा विनेगर, लगभग ये मैं डाल रहा हूँ ये एक फुल कैप, और जाएगी इसमें थोड़ी सी शुगर, ये गई मेरी इसमें थोड़ी सी शुगर। और अब इसको हमने अच्छे से मिला देना है ताकि ये दोनों एक दूसरे का अच्छे से अता पता पूछ ले। दोस्तों मैं इसके लिए एक बड़ा कुकुम्बर लिया है, आपको अच्छा लगे तो परिवार के लोगों के हिसाब से आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए अब बस इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने ऐसे ही छोड़ देना। तो बस मिलता हूँ 15 से 20 मिनट के बाद में, यूँ गया 15-20 मिनट बाद आया। तो लीजिए दोस्तों ये मेरे कुकुम्बर को मैरिनेट हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए कितना सारा इन्होंने अपना नेचुरल जो इनका पानी होता है कुकुम्बर का ये छोड़ दिया है। और अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगा दूसरे बॉल में, और ये पानी अभी फेंकूँगा नहीं, इसको मैं सीजनिंग के अंदर में काम लेके आ सकता हूँ। ये देखिए, और अभी मैं ये सारा का सारा एक बार अच्छे से निचोड़ लूँगा। ये गया मेरा स्ट्रेनर, और अब इसमें ये सारा का सारा मैंने ये इसी के अंदर में एक बार डाल के इसी में छोड़ दूँगा, ताकि इसका जितना भी पानी है ये नीचे निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, अब इस सारे के सारे खीरे को मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगा एक कपड़े में, और ये गया मेरा सारा का सारा खीरा जो मैंने मैरिनेट किया था सॉल्ट पेपर विनेगर एंड शुगर के साथ में, पेपर नहीं सॉल्ट शुगर एंड विनेगर। और बस अब इसको पकड़ के अच्छे से इसको निचोड़ देना है। ये देखिए अच्छे से निचोड़ना है, ताकि इसके अंदर से
मैक्सिमम इसका जितना भी पानी है ये निकल जाए। ये देखिए, तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा सारा कुकुम्बर मैंने अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया और अब ये मेरा तैयार है अगले सेटअप के लिए, अगले प्रोसेस के लिए। बस अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा यहाँ से दूसरे बर्तन में। और ये देखिए, ये इसके अंदर से कितना पानी निकला है इसका। पर अभी इसको किसी और चीज़ में यूज़ करूँगा क्योंकि ये काफ़ी सॉल्टी है। तो बस मिलता हूँ फटाफट इनको अब अगले प्रोसेस के साथ में। तो लीजिए दोस्तों, ये अच्छे से मैंने चेक कर लिया है, मैक्सिमम मॉइस्चर मैंने निकाल लिया है। अब इसमें सॉल्ट और विनेगर नहीं डालूँगा, ऑलरेडी सॉल्ट विनेगर इसने अब्जॉर्ब कर लिया। ये मैंने डाली है थोड़ी सी पेपर, ये कम से कम भी मैं दो चुटकी के लगभग डाल रहा हूँ। डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। इसकी खुशबू और इसका स्वाद लाजवाब है। और ये गई मेरी इसके अंदर में भर के एक चम्मच मेयोनीज। मेयोनीज कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये देखिए। और बस अब इसको झटपट ही मैं मिला दूंगा, ये देखिए। आप इसको सैंडविच पे रख के खाइए, ब्रेड पे रख के खाइए, टोस्टेड सैंडविच पे खाइए, एज ए सैलड खाइए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाइए, जब दिल करे तब खाइए। ये कितना ही शानदार और लाजवाब ये बन गया है। तो लीजिए दोस्तों, ये बातों ही बातों में मेरा कुकुम्बर कोल्सलो एकदम बन के तैयार, बहुत ही स्वाद बना है, बहुत ही टेस्टी। तो बस आप भी बनाइए और बताइए कि आपको ये खाने में कैसा लगा। तो बस जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माई वीडियोज नोटिफिकेशन। तो मिलूँगा कल नए टिप, नए ट्रिक, नई रेसिपी के साथ में। तब तक शेफ राजेश फ्रॉम देसी शाह लिटिल किचन से आपको मिलूँ, आपका दिन शुभ हो। ऐसी हेल्दी चीज़ें बनाते रहिए, खाते रहिए, पैसे बचाते रहिए और बचाते भी रहिए। बाय, नमस्कार दोस्तों। ये जो कुकुम्बर कोल्सलो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर में ये मेरे पास थोड़ी सी स्नोबर्ग आइसबर्ग पड़ी थी, बस इसको भी मैं हल्का सा श्रेड करके इसको मैं मैरिनेट नहीं करूँगा। और ये देखिए, इसको भी मैं इसी में डाल दूँगा ताकि इसका क्रंच और बढ़ जाए। ये देखिए कितना ही शानदार, कितना ही लाजवाब बन रहा है। बस इसको झटपट इसमें मिलाना है और उसके बाद में शुरू हो जाना है। ये देखिए दोनों का रंग आपस में कैसे एक दूसरे के साथ में मिल गया है। और ये जो स्नोबर्ग है आइसबर्ग, इसका फ्लेवर और इसका क्रंच सैलड के फ्लेवर और टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर करी।